जय हिंद दोस्तों। होमगार्ड भर्ती को लेकर एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जो कि दोबारा 22 नवंबर से होमगार्ड बहाली शुरू होने जा रहा है, जिसमें 15,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था समादेष्टा कार्यालय जो कि भर्ती दोबारा करने के लिए। तो दोस्तों पूरी जानकारी, पूरी ब्रेकिंग न्यूज मैं बताने वाला हूँ, कहाँ के यह भर्ती है, कौन से जिले में यह भर्ती होगा, किस प्रखंड के किस डेट में जाना है, पूरी डिटेल्स में जानकारी मैं देने वाला हूँ। कौन सा आपको स्टेडियम में या दोस्तों भर्ती का फिजिकल होगा, कहां पर रिटेन होगा, सभी जानकारी आपको एक ही वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करें। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, क्योंकि यहां पर जो भी जानकारी आपको दी जाती है बिल्कुल सही और सटीक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सभी जानकारी को जानते हैं। दोस्तों प्रभात खबर द्वारा यह प्रकाशित किया गया है और बोकारो जिले में 22 से लेकर 22 नवंबर से 7 दिसंबर तक यह भर्ती होने वाली है। अगला भर्ती दोस्तों जो वर्षा हो रहा था जिसके कारण वहां पर स्थगित हो गया था, जिसमें 15,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया, उसके बाद दोस्तों दोबारा यहां पर भर्ती होने जा रहा है। जिले में 553 पद बहाली को लेकर करीब 15,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। ग्रामीण होमगार्ड जवान का पद 320 है, इसमें महिला 157 और पुरुष 163 दोस्तों यहां पर पद लिखा गया है, जो कि 4 नवंबर का यह खबर है। दोस्तों यहां पर पूरी डिटेल्स में जानकारी दिया गया है। कई बार स्थगित होने के बाद अब 22 नवंबर से फिर से बोकारो होमगार्ड बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। बहाली प्रक्रिया में मोहन कुमार मंगल स्टेडियम बोकारो में होगी। आपको बताते चले कि जिले में 553 पद पर बहाली को लेकर करीब 15,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ग्रामीण होमगार्ड जवान का पद 320 है, इसमें महिला 157 पुरुष 163, वही ग्रामीण होमगार्ड जवान का पद 233 है, इसमें महिला 116 और दोस्तों यहां पर पुरुष 117 लिखा गया है। आप लोग देख सकते हैं जिला समादेष्टा रवि कुमार कुजू ने बताया कि बोकारो जिले के गृहरक्षक के नौ नामांकन के लिए शारीरिक एवं लिखित जांच परीक्षा 22 नवंबर से शुरू हो रही है। बताया कि मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम बोकारो में उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में क्रिकेट स्टेडियम सेक्टर 4 में आयोजित की जाएगी। कहा कि सभी अभ्यर्थियों की बहाली प्रक्रिया प्रखंड वार होगा। कहा कि इस बार समय और चरणबद्ध तरीके से प्रक्रिया पूरी की जाएगी, यानी दोस्तों आपको समय और डेट के सहित यहां पर भर्ती प्रक्रिया समादेष्टा के कहना है कि पूरा किया जाएगा। प्रखंड वार बहाली प्रक्रिया की स्थिति यहां पर दोस्तों आपका जो भी प्रखंड है तो आप लोग देख सकते हैं। 22 नवंबर को दोस्तों नवाडी आपको पुरुष और महिला दोनों का है, 23 को गोमिया के सभी पुरुष के और 24 को चास के है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पुरुष क्रम आपको जो क्रमांक है 1001 से, महिला क्रम आपको 11,500 लिखा है। वही दोस्तों आपको 28 को 4 पुरुष के यहां पर जो रोल नंबर है क्रमांक है आपको दिया गया है, और वही महिला क्रमांक यहां से 13,474 से। 29 को दोस्तों यहां पर ब्रह्मो के है सभी आपको महिला पुरुष के, गोमिया के और चंदन केरिया सभी महिला दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जो भी प्रखंड है यहाँ पर। 30 नवम्बर को आपको दिया गया है, 1 दिसंबर को आपको दिया गया है, यहाँ पर 2 दिसंबर को दिया गया है, 4 दिसंबर को दिया गया है। तो आप लोग अपने प्रखंड का यहाँ नाम भी देख सकते हैं या ऑफिशियल साइट पर भी जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों सभी अभ्यर्थी को अपने ही डेट में जाना है। अगर आपको नहीं मालूम है अपने प्रखंड का डेट तो हमें कमेंट भी कर सकते हैं, आपको कमेंट के माध्यम से हम बता देंगे कि आपका प्रखंड के कब फिजिकल है और कब जाना है। सभी डॉक्यूमेंट लेकर जाइएगा जो आवेदन करते समय आपने बताया है, आपने दिया है, सभी लेकर जाना होगा। तो दोस्तों यह जानकारी कैसी लगी जरूर कमेंट करें, आप कहां से हैं यह भी कमेंट करें, क्योंकि दोस्तों आपका कमेंट के इंतजार रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, नमस्कार।